कुछ इस तरह के जो मिरर्स है ना वो इसमें आए थे, यानी कि ये मैनुअल वाला जो होता है ना, ये देख रहे हो, तो मैनुअल खटका इसमें लगा होता है, जॉयस्टिक लगी होती है, बट उसको चेंज करके यहाँ पर ऑटो फोल्ड मिरर लगा दिए गए। सिस्टम यही वाला है, टूडिन वाला सिस्टम आया है, जो कि कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हाँ उसको चेंज करने लगा। रूफ रेल है ना वो अब आ चुके हैं, ये देख लो, ये ब्रांड रहा डाइजेक्स, तो सॉफ्ट टच इनको किया गया है, सेम पैटर्न रहने वाला इंटीरियर जैसा था उसका सीट कवर का। तो वैसे यहाँ पर रेड स्टिचेस दिए गए हैं और सॉफ्ट टच हो चुके हैं इसका। ये कपलर है छोटा सा और कपलर तो कपलर इसमें फिटिंग हो जाएगी, तो कोई वायर कट की दिक्कत समस्या आने वाली नहीं है। तो उसकी एम्बिएंट लाइट यहाँ पर लगाई गई है, ये देखो, तो यहाँ पर ये अलग अलग कलर मोड में चलता रहेगा, जैसा आप चाहोगे उस तरह की लाइट आप यहाँ पर लगवा सकते हो। बट क्रूज कंट्रोल भी इसमें एक्टिव कराया गया है, उसका रिमोट अलग से लगाया साहिल, प्लस आप ना इसकी जो थीम्स हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो हेलो एंड वेलकम टू कारखाना दोस्तों, गाड़ी फिर से मैं पहुँच चुका हूँ क्रिस्टल कार केयर पे, और आज फिर से लाइन से गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, और जिस गाड़ी में मॉडिफिकेशन दिखाने वाला है ये है किया कि सेल्टोस। सेल्टोस में आज क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं ये सारी चीज़ें अब आपको मैं फटाफट दिखा दूंगा, और अगर आप भी सेल्टोस ले रहे हैं या फिर ले चुके हैं और उसमें प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ मॉडिफिकेशन कराने का, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये वीडियो देखो और बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे कि आप भी अपनी सेल्टोस में क्या क्या चीज़ें लगवा सकते हो, क्या क्या चीज़ें करवा सकते हो। तो देखो भाई, इस वेरिएंट में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ आया नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसको चेंज कराया गया है, लगवाया गया, इंस्टॉल कराया गया है, तो सब कुछ आपके काम आएंगे। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ भैया यहाँ पर DRL लाइट्स की ना फिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी में DRL लाइट नहीं आया, मतलब कि इस वेरिएंट में नहीं आया है बेसिकली, तो उसको यहाँ पर लगाया गया। उसके साथ और क्या लगाया गया, फॉग लाइट भी यहाँ पर लगाई गई है, ये देखो, तो कुछ इस तरह की जो फॉग लाइट है ना वो लगाई जाती है यहाँ पर, ये देखो, तो LED लाइट्स होती हैं इसमें भी, काफ़ी प्यारी लगती है, ये देखो, ठीक है, और यहाँ पर LED बल्ब भी इसमें लगाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, बाकी मैंने DRL आपको दिखा दिया वर्किंग कंडीशन में, थोड़ी देर में आपको मैं दिखा दूंगा। साइड में चलते हैं थोड़ा और साइड से देखते हैं कि और क्या क्या इस गाड़ी में लगा दिया गया है। अब मिरर जो है ना ये आप देख लो, ये ऑटो फोल्ड मिरर इस गाड़ी को लगाए गए हैं। पहले वाला जो मिरर है वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई कुछ इस तरह के जो मिरर्स हैं ना वो इसमें आए थे, यानी कि ये मैनुअल वाला जो होता है ना, ये देख रहे हो, तो मैनुअल खटका इसमें लगा होता है, जॉयस्टिक लगी होती है, बट उसको चेंज करके यहाँ पर ऑटो फोल्ड मिरर लगा दिए गए हैं, ये देखो। तो बाकी अभी इसकी जो वायरिंग है सभी कंप्लीट होने वाली है, इसको कपलर टू कपलर करेंगे फिटिंग, जो कि आप कपलर यहाँ पर अभी देख रहे हो। जब ये हो जाएगा वर्किंग कंडीशन में आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये रिमोट के साथ वर्क करता है। इस वेरिएंट में कुछ इस तरह का जो फ्रेम होता ही आता है, यानी कि सिस्टम जो उसमें लगा तो आता है, बेसिक सा सिस्टम आता है, कुछ ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, बट कुछ इस तरह का जो फ्रेम है ना ये लगा आता है। इसको रिप्लेस किया गया है, इसको रिप्लेस करके आपको दिखा दूँ एक बारी, ये देखो कुछ इस तरह से फ्रेम लगाया गया है, जो कि पूरे ग्लॉसी फिनिश में है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। सिस्टम कौन सा है इसके इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको आगे ही वीडियो में दूंगा। बाकी सीट कवर का काम हुआ है, ये देखो सीट कवर बड़े ही ज़बरदस्त से लगाए गए हैं यहाँ पर, भाई यहाँ पर फिटिंग कर रहे हैं आर्मरेस्ट की, इस पर भी कपड़ा चढ़ेगा भैया, इसलिए भैया अभी इसको निकाल रहे हैं, और इसका जो पैनल है ऊपर का उसके ऊपर कुछ इस तरह का ही कपड़ा जो है वो चढ़ाया जाएगा। बाकी अब सीट कवर स्टिचिंग का काम देखो, रेड कलर के स्टिचेस हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। अभी स्टीयरिंग रैप नहीं देख रहा हूँ, बट आगे शायद लग सकता है, तो उसको मैं आगे ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और क्या लगने वाला है, ये फ्रेम को मैं पहले छोड़ देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, इसको रख दूँ भाई। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी की जो लाइट है ना वो लगने वाली है, यानी कि एम्बिएंट लाइट जो है ना वो लग जाएंगी। अभी इसीलिए पैनल्स को भी उतारा गया है, फिटिंग हो जाएगी ना उसके बाद आप देखना। बाकी एंड्रॉयड सिस्टम है, ये देखो, इसको मैं म्यूट ही कर देता हूँ भाई अभी, हाँ ठीक है। तो सिस्टम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आगे आपको मिल जाएगी। डैम्पिंग हो रही है यहाँ पर, 3M की डैम्पिंग यहाँ पर चल रही है, जो कि डबल लेयर डैम्पिंग यहाँ पर होने वाली है, तो डोर जो है, डोर का जो वेट है वो भी बढ़ जाएगा, बाकी बाहर का जो साउंड है वो इतना ज़्यादा अंदर नहीं आएगा। स्पीकर्स में कोई चेंज नहीं किए गए, जो कि कंपनी से आए थे वही वाले हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, बट आप चाहो तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लगवा सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो, अभी काम तो स्टार्ट हुआ ही है, अभी कई सारी चीज़ें लग रही हैं। DRL अभी जला करके यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा मैं डेम लाइट करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। उसके बाद रूफ रेल में देख रहा हूँ, ऊपर अभी रूफ रेल रखे गए हैं, जो कि यहाँ पर भी फिट हो जाएंगे थोड़ी देर में, इसको भी पेस्ट किया जाएगा। और क्या क्या चीज़ें अभी होती रहेंगी सब बताता रहूँगा। अच्छा, साथ में एक दो चीज़ें और रह गई हैं, लाइक यहाँ पर आप जो क्रोम गार्निश है ये देखोगे, ये देखो, तो ये स्टिकर टाइप होता है, इसको आप हटा दोगे तो पूरा क्रोम यहाँ से निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम बाद में निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पर भी क्रोम पैनल लगाए गए हैं, ये देखो, तो गाड़ी की ना एक जो लुक है ना उसको काफ़ी एनहेंस ये कर देती है।
तो भाई सिस्टम यही वाला है, टू डिन वाला सिस्टम आया है, जो कि कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हाँ उसको चेंज करके रखा है, बताया था एंड्रॉयड लगाया गया है। तो यहाँ पर आप देखो 10 इंचेस का है, और आपको बता दूँ कि ये मेगा ऑडियो की जो 10 इंचेस की स्क्रीन है वो इसमें इंस्टॉल करी गई है। बाकी कैमरा भी इसमें इंस्टॉल किया गया, तो वो मैं आपको आगे ही चेक करा दूँगा। अभी आप देख ही रहे हो कंडीशन क्या है गाड़ी की, अभी बहुत सारा काम अभी चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब कर नहीं रहा हूँ भाई लोगों को। बाकी जो कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद तो आपको मैं दिखाऊँगा। तो भाई डाइजेक्स कंपनी की अपनी जो रूफ रेल है ना वो अब आ चुके हैं, ये देख लो, ये ब्रांड रहा डाइजेक्स, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होता है ये अब भैया यहाँ पर लगाएंगे, पहले प्राइमर का कोट करेंगे, ये जैसा आप भैया के हाथ में देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद इसको पेस्ट करेंगे। ये कोटिंग अभी चल रही है प्राइमर की, ताकि इसकी जो पकड़ है ना वो 3M टेप की ये बहुत मजबूती से इसको पकड़ सके। तो भाई सेल्टोस के जो डोर कटते हैं ना ये भी आप देख सकते हो, ये देखो, तो सॉफ्ट टच इनको किया गया है, सेम पैटर्न रहने वाला है इंटीरियर जैसा था उसका सीट कवर का, तो वैसे यहाँ पर रेड स्टिचेस दिए गए हैं और सॉफ्ट टच हो चुके हैं, तो काफ़ी प्रीमियम लुक इसमें आ जाएगी। बाकी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एम्बिएंट लाइट की जो फिटिंग है ना वो भी इसमें करी गई है, ठीक है, तो इसमें काडी की जो लाइट है वो लगाई गई है, वर्किंग कंडीशन में आपको दिखाऊंगा, काफ़ी प्यारी लगती है। और भैया इस वाले डोर में भी अब इसके कनेक्शन दे रहे हैं, कपलर इसका दिया गया, भैया एक बार कपलर दिखा दो इसका, तो ये देखो इसका ये कपलर है, छोटा सा है, और कपलर टू कपलर इसमें फिटिंग हो जाएगी, तो कोई वायर कट की भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। बाकी क्वालिटी एक नंबर रहती है, आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस में देखा कि जो काडी की जो लाइट्स होती है ना वो कैसी लगती हैं, बहुत सुंदर सी लगती है। बूढ़े को बुला दो। तो चलो अब आपको दिखाता हूँ, इसकी एम्बिएंट लाइट यहाँ पर लगाई गई है, इसका मैनुअल बटन भी है शायद, दबाना एक बार जरा, तो देखो इसका मैनुअल बटन भी है, वो भी आपको मैं चेक करा देता हूँ, ये देखो, तो यहाँ पर ये अलग अलग कलर मोड में चलता रहेगा, जैसे आप चाहोगे उस तरह की लाइट आप यहाँ पर लगवा सकते हो। बाकी अभी सामने वाले पैनल पे भी लाइट अभी लगने वाली है, उसके लिए यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये रही लाइट और ये रहा इसका पैनल, जब ये लग जाएगा फिक्स हो जाएगा उसके बाद आप देखना कि क्या लुक आ रही है इसकी। तो क्रूज़ कंट्रोल भी यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसके स्टीयरिंग व्हील में लगा दिया गया है। बाकी रैपिंग के स्टिचेस जो है ना वो रह गई है, इसको पेस्ट तो कर दिया है बट अब स्टिचिंग जो है वो काम रह गया, लग जाएगा उसके बाद आप देखना कि एक नंबर काम हुआ है नहीं हुआ है, आपको वो कमेंट करके बताना है। बाकी आप अभी भी कमेंट कर सकते हो इस चीज़ के लिए, यानी कि एम्बिएंट लाइट आपको कैसी लग रही है, किया सेल्टोस में ये कैसी लग रही है आप मुझे बताओ। फ्रंट का भी पेंडिंग चल रहा है, ये भी आपको मैं अभी दिखा दूंगा, पीछे वाले डोर पर भी एक बार दिखा दूँ आपको, तो कुछ इस तरह से जो लाइट्स हैं वो रहने वाली हैं। सीट कवर मैंने आपको दिन में दिखा दिए थे, बकेट सीट कवर यहाँ पर लगे हैं, जो कि जिसका पैटर्न है ना ये जैसे टॉप मॉडल में आता है ना वेंटिलेटेड सीट्स, कुछ उस तरह से ही इस पैटर्न को बनाया गया है, तो भाई देखने में ही टॉप मॉडल वाली जो सीट्स है ना वो यहाँ पर लग रही है। इसके साथ में यहाँ पर आर्मरेस्ट पे भी सेम कपड़ा चढ़ाया गया है, जैसे मैंने आपको दिन में ही दिखा दिया था, एक बार और आप देख लो, तो कुछ इस तरह से काम हो गया है। और डोर में भी साइड गत्तों पे, यानी कि ये जो आर्मरेस्ट है इसके ऊपर भी सॉफ्ट टच किया गया था, ये आपको मैंने दिखाया था, ये देखो फिनिशिंग यार बहुत प्यारी है। आपको मैं थोड़ा और पास से दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि भाई काम किस तरह का होता है यहाँ पर। तो चलो भाई अब आपको चेक करके दिखा देता हूँ मैं कि अभी तक क्या क्या काम हो चुका है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ इसका सिस्टम, जो कि मेगा ऑडियो का 10 इंचेस का टच स्क्रीन रहने वाला है, एंड्रॉयड की स्क्रीन है और एप्पल कारप्ले वाला सिस्टम है ये, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी आपको मैं इसको चला कर भी दिखा देता हूँ, तो भाई ये देखो, तो ये इसकी होम स्क्रीन पे चले जाते हैं, ये देखो, तो कुछ इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। प्लस आप ना इसकी जो थीम्स हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो, बाकी इसमें जो मैप्स हैं, यूट्यूब है, वीडियोस हैं, म्यूजिक है, रेडियो, ब्लूटूथ, और टच, इसका टच भी देख रहा हूँ काफ़ी प्यारा है यार, बहुत प्यारा है, ठीक है। तो इसमें फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, बाकी आप यहाँ से बहुत सारे एप्लीकेशंस को भी रन कर सकते हो, प्ले स्टोर भी रन कर सकते हो, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, कोई भी यहाँ पर आप, मतलब आपको जो भी कुछ देखना हो, जो भी आप अपने मोबाइल में देखते हो ना, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर सब कुछ प्ले कर पाएंगे, ठीक है। वेरियंट कौन सा है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि कितने GB वाला है, बट स्क्रीन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो फ्रेम लगाया गया है, ये दिन के शॉट में मैंने दिखा दिया था आपको, तो ग्लॉसी फ्रेम यहाँ पर लगाया गया, जो इसके साथ आ रहा था यानी कि कंपनी फिटेड जो आ रहा था वो बिल्कुल ही रद्दी सा लग रहा था, मतलब इसके सामने तो कुछ भी नहीं था, लाइक बिल्कुल ही बेसिक होता है वैसा, रद्दी नहीं बोलूँगा बट बिल्कुल ही बेसिक, ठीक है, तो रफ प्लास्टिक में था, बट उसको रिप्लेस करके सिस्टम लगाया गया, प्लस यहाँ पर ये ग्लॉसी फ्रेम जो है ये लगाया गया, जैसे कि टॉप वेरिएंट में आता है, ठीक है। माइक की फिटिंग यहाँ पर हो चुकी है, जब आप कॉल्स लेते हैं तो
तो उसके लिए माइक आपको यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर माइक लगाया गया। स्टेयरिंग पे मैंने आपको दिखाई दिया था यहाँ पर कि यहाँ पर क्रूज कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया। बाकी इसकी रैपिंग अभी रह गई है, रैपिंग जब हो जाएगी तो ये भी आप देख लेना। तो स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, ये देखो कुछ इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत सी है। बाकी फ्रेम आप देखो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में यहाँ पर आपको जो फ्रेम है ना इसका ये मिल जाता है, जो कि कंपनी से आया था, कैसा था वो बेसिक सा था, आपने वो देखा ही था, बट उसको रिप्लेस करके यहाँ पर जो जो फ्रेम लगाया गया है जो कि टॉप वेरियंट में जैसा रहता है कुछ इस तरह की जो फ्रेम है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। एम्बिएंट लाइट आप देख सकते हो किस तरह से है, ये देखो आपको मैंने कहा था कि वर्किंग कंडीशन में जब ये जलेगा तब आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, प्लस आप चाहो ना तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, उसके लिए भी बटन यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये देखो। तो मैनुअली यहाँ पर कंट्रोल जो है उसका वो दे दिया गया है, वैसे आप एप्लीकेशन के थ्रू भी इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो। तो आप अलग अलग टाइप की जो लाइट्स है ना अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर पाओगे, तो कुछ इस तरह से है। बाकी पीछे वाले डोर्स पे भी अगर मैं दिखा दूँ तो फिनिशिंग देख सकते हो, क्वालिटी आप देख सकते हो, गाड़ी की जो लाइट्स होती है ना वो वैसे भी बहुत ही प्यारी लगती है देखने में भी। फोल्डिंग ओआर गेम जो हमने गाड़ी में लगाए हैं ना तो उसके जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर अभी साहिर भाई तैयार कर रहे हैं, तो उसकी जो कटिंग वटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, उसके बाद इसको अपडेट करेंगे। और यहाँ पर आप इसके स्विचेस देख रहे हैं, बाकी ये लगता है ना फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली किया सेल्टोस में ना, काम कंप्लीट हो चुका है, अब दिखाने की बारी आ गई कि हमने इस समय क्या क्या काम किया। तो देखो मैं थोड़ा सा रात का ही वेट कर रहा था कि रात में ना प्रॉपर इसकी जो लाइट्स है ना वो आपको मैं चेक करवा दूंगा। भाई शोर शराबा बहुत है, प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, ट्रैफिक पीछे से बहुत ज़्यादा जा रहा है और यहाँ पर अननेसेसरी के लोग जो है ना वो हॉर्न बजाते ही रहते हैं, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके आपको दिखाना शुरू कर देता हूँ लाइट। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर जो डी आर एल लाइट्स इसको लगाई गई है, जो कि टॉप वेरिएंट में आता है, बस वैसे ही डी आर एल लाइट्स इसमें दे दी गई हैं। नीचे पार्किंग लाइट जो है ना वो भी यहाँ पर वाइट एल ई डी इसमें लगा दी गई है, हेडलैम्प्स में भी एल ई डी लाइट लगाई गई है, ये आप देख सकते हो। ऑलरेडी इसमें प्रोजेक्टर लाइट आती है बट उसमें हेलोजन टाइप यानी कि येलो लाइट होती है ना, बट यहाँ पर इसको एलईडी लाइट लगाई गई है, ये देखो आप फोकस यहाँ से आप इसका देख सकते हो किस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। नीचे भी फॉग लाइट जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं प्रोजेक्टर वाले, इस तरह के एलईडी वाले हैं यार ये, ठीक है। तो ये देख सकते हो किस तरह से काफ़ी प्यारे लुक इसमें आ रही है। बाकी तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों को इसकी जो लुक है वो कैसी लग रही है, ठीक है। अब चलते हैं गाड़ी के साइड में और देखते हैं कि भाई साइड में क्या चेंज हुआ है। साइड में सबसे पहले तो जो फेंडर है ना इसके ऊपर ये फेक वेंट लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिकेटर आता ना जो कि शो करता है कि भाई आपका ये बेस वेरिएंट है, तो अब उसको भी हटा दिया गया है। और रीजन मीन कि हमने यहाँ से इंडिकेटर हटाया है तो अब कैसे होगा, तो भाई अब क्योंकि हमने साइड मिरर जो लगाया ना वो ऑटो फोल्ड लगाए हैं, इसमें नहीं आ रहे थे बट इसमें ऑटो फोल्ड मिरर के साथ ये इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिकेटर दे दो एक बारी, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर साइड इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है एलईडी के साथ, और साथ में आप ये देख रहे होंगे ऑटो फोल्ड ये हो चुके हैं। अभी मैं की से भी आपको इसको चेक करवा दूंगा, उसके बाद आपको प्रॉपर मैं दिखा दूंगा। अब ऊपर थोड़ा चलते हैं, ऊपर देखते हैं कि रूफ रेल जिसमें लगाई गई हैं जो कि मैंने आपको दिन में दिखाए थे, और ये लगाए गए हैं डाइजेक्स कंपनी के, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के जो रूफ रेल है ना आप ये लगा सकते हो, अलग अलग ब्रांड में भी आता है, बट जो अगर बेस्ट क्वालिटी अगर आप लगाना चाहते हो तो फिर आपको डाइजेक्स अगर लगा दो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर नीचे की तरफ दिखा दूँ आपको जो लोअर गार्निश है ये भी, इसके ऊपर देखो ना स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर हटा दोगे तो सेम ऐसा क्रोम पैनल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देख रहे हो। तो कुछ इस तरह से जो प्रॉपर जो फिनिशिंग है ना ये आज के जाएगी। साइड बिल्डिंग में भी यहाँ पर क्रोम का यूज़ किया गया जो कि मैंने आपको दिन के शॉट में दिखा दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं पीछे की तरफ और दिखाता हूँ आपको, भाई देखो इसमें ना शार्क फिन एंटीना आता है, बट अगर सपोज अगर आपकी गाड़ी में नहीं है, कोई दूसरी गाड़ी में और किसी वेरिएंट में, तो भी आप ऐसा शार्क फिन एंटीना लगा सकते हो। पीछे की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो जो रिफ्लेक्टर लाइट है ना वो यहाँ पर लगाई गई है, नकली वाला आता है आता ही नहीं है, मतलब सिर्फ एक डमी होता है जो कंपनी की तरफ से आता है, बट यहाँ पर इसको चेंज करके ये मैट्रिक्स वाली जो लाइट है ना वो यहाँ पर लगाई गई है, काफ़ी अच्छी लुक इसमें आ रही है, ठीक है। तो अब ये दूसरी साइड की आप देख लो, बाकी अब आपको ले चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या काम हो गया है। बट उससे पहले मैं आपको ना इसके जो मिरर्स है ना ये चेक करवा देता हूँ कि ऑटो फोल्ड है या नहीं है, कैसे काम कर रहे हैं ये आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई ये है इसकी की, अब मैं यहाँ से इसको ऑपरेट करूँगा
आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ लॉक, ये देखो। तो ये वर्किंग कंडीशन में आपको मैं इस टाइम पे दिखा रहा हूँ, अनलॉक करूँगा। ओ सॉरी सॉरी, मैं गलत दबा रहा था। अनलॉक करता हूँ, ये देखो। तो ये यहाँ पर पूरा वर्किंग कंडीशन आप देख लो, यहाँ पर LED लाइट्स भी जल रही हैं और पूरा ऑपरेटिंग आपको दिखा रहा हूँ मैं। अब इसको अंदर से भी दिखा दूँगा कि अंदर से कैसे वर्क करेगा। तो अब आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं ना, यानी कि ORVM के जो कंट्रोल्स हैं वो आ गए। आपको पता है कि यहाँ पे तो ये लट्टू जैसा आता है यहाँ पर, यानी कि जॉयस्टिक टाइप आता है, बट उसको बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद क्योंकि यहाँ पे होल सा रहता था, बट वो ऑड ना लगे इसलिए यहाँ पर रबड़ ग्रिप लगा दिया। थोड़ा सा गंदा है, वो गीले कपड़े साफ करेंगे तो वो भी क्लीन हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका जो कंट्रोल्स हैं ये, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्किंग कंडीशन में ये कैसे वर्क करता है। पहले तो मैं इसके विंडोज़ जो है वो डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये रहे इससे कंट्रोल, बाकी ये मिरर की सेटिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ, बट मैं पहले उसकी तरफ कर दूँ। ये देखो आप, तो मुझे हाथों से करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस मैं नीचे से ही, यानी कि इसकी जो पैनल, यानी कि रिमोट कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है, इसी कंट्रोल से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। और आप ऊपर नीचे दाएं बाएं अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बाकी अगर मैं दूसरे वाले मिरर भी अगर चेक करवाऊँ आपको, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस वाले बटन को सेटिंग इधर करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ से जॉयस्टिक से मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आप इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्टेयरिंग व्हील पे उस टाइम पे कवर चढ़ रहा था, बट अब काम कम्प्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से फिनिशिंग आ गई है। ये क्या लग गया मेरे हाथ में, ऑरेंज ऑरेंज, पता नहीं यार। तो यहाँ पर जो स्टिचिंग का काम है यह प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, रेड स्टिचेस का ही यूज किया गया है, जो कि आपको प्रॉपर सीट के कवर्स में भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो सीट है मैंने आपको दिन में भी दिखा दी थी किस तरह से। साथ में यहाँ पर आपको दिखा दूँ थोड़ा सा जो सॉफ्ट टच है ना, वो यहाँ पर दिया गया है। एक सेकंड मैं फ्लैश लाइट ठीक कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो सॉफ्ट टच ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक प्रीमियम लुक आपकी गाड़ी को मिल जाती है। अब आप देख रहे होंगे एम्बिएंट लाइट, जो कि मैंने आपको दिन में भी दिखाया था वैसे तो, बट आप यहाँ पे देखो डोर्स में और डैश के पैनल्स में ये कैसा लग रहा है। ये देखो कलरफुल लाइट है। आप एक एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर एक मैनुअल बटन था, जो कि मैंने उस टाइम भी आपको दिखा दिया था, इसके थ्रू भी आप इसको चेंज कर सकते हो, लाइट्स को अपने अकॉर्डिंग इन लाइट्स को आप रख सकते हो। तो काफ़ी खूबसूरत सी लाइट है, आपको जैसा जो भी कलर पसंद आए आप उस तरह से लगवा सकते हो। मेगा ऑडियो के 10 इंचेस की जो एंड्रॉयड सिस्टम है, टच स्क्रीन सिस्टम है, वो हमने आपको दिखा दिया था। तो 232 इसका मेमोरी रहने वाली है, यानी कि 2 GB रैम और 32 GB हार्ड डिस्क इसमें रहने वाली है, ठीक है। टच का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, आप देखेंगे तो कई सारे एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेम ओरिजिनल रहने वाला है, जैसे कि ओरिजिनल टॉप मॉडल में आता है कुछ इस तरह से। दिन में आपको दिखा देता है किस तरह का बेसिक जो एक कंपनी देती है। एक तो सिस्टम बहुत बेसिक था, 2D वाला, प्लस ये जो पैनल था वो भी बड़ा ही रद्दी सा था, बेकार सा लगता है, इसीलिए उसको चेंज करवाया जाता है, ठीक है। और ये रहे अपने बल्ब, जो कि साइड इंडिकेटर का काम कर रहे थे, जो कि साइड फेंडर पर लगे थे, उसको रिप्लेस करके हमने आपको दिखाई दिया। स्टीयरिंग व्हील पे एक चीज़ और रह गई थी, ये जो कंट्रोल है यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी एक्टिवेट कर दिया गया, तो अच्छी चीज़ ये लग रही है। सीट एक बार ये आपको और दिखा देता हूँ, मैं अपनी फ्लैश लाइट भी आपको ऑन कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये देखो, तो सीट पे जो काम है ना वो ज़बरदस्त वाला हुआ है भाई। साथ में आर्म रेस्ट के ऊपर भी सेम ही कपड़ा लगाया गया है। पीछे वाली सीट्स भी आपको दिखा दूँ, तो कुछ इस तरह का जो काम है ये आप देख सकते हो। हेडरेस्ट है ना भाई, ये फिक्स टाइप के आते हैं इस वाले वेरियंट में, बट आप चाहो तो इसको भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट करवा सकते हो। कहाँ पर? क्रिस्टल कार केयर पर आप ये सारा काम करवा सकते हो। तो आशीष भाई अपने साथ हैं। आशीष भाई, कारखाना चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशीष भाई आए हैं यूपी से, रामपुर से, सही बोल रहा हूँ मैं जी? तो आप इतनी दूर से आए, स्पेशली गाड़ी में काम करवाने आए थे आज क्रिस्टल कार पे जी? तो जो भी आज चीजें आपने लगवाई हैं, जैसे कि एम्बिएंट लाइट हो गई, या फिर हेडलाइट में है, या फिर फॉग लाइट हो गई, सीट कवर जैसा मैं देख रहा हूँ, मुझे तो देखो मुझे तो काफी अच्छे लग रहे हैं, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि भाई आपका क्या कहना, क्योंकि गाड़ी के ओनर आप हो, आपने काम कराया, तो आपको कैसा लगा ये सारा काम? काम सारा बढ़िया हुआ है। A1 क्वालिटी के सीट कवर भी हैं, हेडलाइट, हेडलाइट में लैंप, फॉग लैंप, एम्बिएंट लाइट वगैरह, स्क्रीन, स्टीरियो, सब बढ़िया काम हुआ है। सब अच्छा लगा ना आपको? सेटिस्फाई हो आप मतलब काम से? फुली सेटिस्फाई। तो जैसा आप सोच के आए थे वैसा काम हुआ है यहाँ पर? वैसा ही काम हुआ। अच्छा, तो मैं बाकी के भाई लोग भी उनसे जरा रिव्यू ले लेता हूँ, उनसे भी पूछता हूँ भाई कैसी लगी। भाई अपना नाम बता दो एक बारी। मेरा नाम अभिषेक। अभिषेक भाई आपको कैसा लगा ये सारा काम? काम सब A1 क्वालिटी का, और क्या कहते हैं सारा काम A to Z। ये मैं कहूँगा कि
जितना भी काम हुआ सब कपलर टू कपलर हुआ, कपलर टू कपलर हुआ, कपलर टू कपलर आपके सामने हुआ था सारा काम, सब काम है ना। देखो भाई कस्टमर खुद बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर सारा काम जो है ना वो कपलर टू कपलर हुआ है, बल्कि मेरे पूछने से पहले बता दिया। नितेश भाई हमारे स्माइल कर रहे हैं, नितेश भाई के पास भी अभी आएंगे, लेकिन एक भाई और है हमारे साथ, भाई आपका भी नाम बता दो। भाई अभय। अभय भाई तो आपको कैसा लगा ये काम? नहीं नहीं भैया, एक नंबर काम है। तो अगर अपने फ्रेंड सर्कल में फैमिलीज में अगर किसी को बोलना पड़े कि भाई हाँ काम कराना, तो आप क्रिस्टल कार के बारे में बताओ। बिल्कुल मैं रेफर करूंगा, यहाँ रेफर करेंगे, बिल्कुल है ना। और नितेश भाई का जो नेचर है वो आपको कैसा लगा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया है ना। इन्होंने आपकी हेल्प तो करी ना कि कौन सी चीज सजेस्ट किया होगा, है ना। तो नितेश भाई हैं अपने यहाँ पर। नितेश भाई एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। थैंक यू सो मच कृष भाई। आपने जो भी काम किया भाई, देखो आपका काम पसंद आ रहा है वो तो मुझे पता, नंबर अच्छा ही मिलने वाला है। तो मैं ऐसा करता हूँ पहले नंबर ही ले लेता हूँ। तो अगर आज मैं इस काम के लिए अगर 10 में से कुछ नंबर मांगूंगा, कितने नंबर दोगे? 10 out of 10 दोगे। और अपने नितेश भाई को कितने देने वाले हो? नितेश भाई को भी 10 out of 10। अरे वाह, तो ये सही है। तो नितेश भाई ने जैसा यहाँ पे एक तो सारा कुछ आपको बताया होगा, सजेस्ट किया होगा, ठीक है। अच्छा चलो, मेरे जो व्यूअर्स है ना एक ही चीज पूछते हैं हर बारी कि भैया प्राइस तो बता दिया करो, प्राइस बता दिया करो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज कितने में मामला ये पूरा सेट बैठा, जितना भी आज खर्चा आया कितने का बिल बैठा आपका? ऑलमोस्ट 85,000। अच्छा घर से प्लान करके आया था कि आज कितना लगने वाला? इतना तो एक्सपेक्ट कर ही रखा था, काम भी तो काफी हुआ है गाड़ी में। हाँ काम भी आपका काफी कुछ हुआ है, तो इतना ही सोच के आया था और उसी बजट में आपने अपना काम करवा भी लिया, राइट? ठीक है। तो नितेश भाई और भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से? सबको ये कहना चाहेंगे आप एक बार हमारी शॉप पे विजिट कीजिए, सब कस्टमर्स के रिव्यू हम लेते हैं हर वीडियो के अंदर, सबको हमारा काम पसंद आता है। हमारा काम सब कपलर टू कपलर होता है। बाकी भैया ने भी आपको जैसे बताया यहाँ पे कोई चीट फंड वाला काम नहीं है, हम जो चीज़ दिखाते हैं कस्टमर को वही चीज़ गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। एक बार आप विजिट जरूर करिए। चलिए तो ये बहुत अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात यह कि हमारे जो कस्टमर्स आए हैं, ये तीनों भाई जो हैं, ये खुश होकर के जा रहे हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, चाय पिलाई है भैया। अरे वाह वाह वाह, हमें तो पूछते नहीं हो भाई साहब, हैं? मजाक कर रहा हूँ। काफी अच्छा है, हाँ स्टाफ भी काफी अच्छा है। ये तो चलो बहुत अच्छी बात है कि अगर कस्टमर से रिव्यू मिल जाना तो हमारे जो आने वाले जो कस्टमर हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो वीडियो देख रहे होंगे उनको और हेल्प हो जाती है वीडियो से। तो भाई अब जो मेरे व्यूअर्स हैं, अब आप लोगों की बारी है बताने की कि आप लोगों को ये काम कैसा लगा है, ठीक है। बाकी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग काम कराना चाहते हो तो नितेश भाई यहीं पर अवेलेबल है। बाकी आप क्रिस्टल कार पे कभी भी आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, या फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ आकर के बात कर सकते हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करा सकते हो। एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कारखाना को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई ने बोला करने का तो करने का।